अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर नियर इंपॉर्टेंट बीटीसी एंड एथेरियम अपडेट को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल से ही देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ बिटकॉइन की हिस्ट्री शेयर करूंगा, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम लोगों ने ओवर द टाइम बीटीसी को एक काफी बड़ा क्रैश लेता हुआ देखा है। तो अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 19 जून 2022, और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है 18,300 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ आप लोगों को बीटीसी का, तो प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने उसके अंदर आप लोगों को गाइड किया था कि हम लोग 20,000 डॉलर्स के लेवल तक देखेंगे बीटीसी को। तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटीसी के लिए तकरीबन 20,100 डॉलर्स के लेवल तक आई, और यहाँ से बीटीसी ने दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया। लेकिन मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर गाइड किया था कि जब तक बीटीसी एटलीस्ट 22,700 डॉलर से अबव नहीं जा रहा तब तक हम लोग एक क्रैश लेता हुआ देख सकते हैं हम बीटीसी को। और मैंने उस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग बीटीसी को 20,000 डॉलर से नीचे जाता हुआ देखें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के दिन में बीटीसी ने 20,000 डॉलर का जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ दिया था, और मैंने आपको गाइड किया था कि अगर 20,000 डॉलर के लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो हम लोग तकरीबन 19,500 डॉलर या 19,000 डॉलर के लेवल तक देखेंगे बीटीसी को। तो यहाँ पे बीटीसी के तकरीबन 19,000 डॉलर के लेवल तक है, और 19,000 डॉलर से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया बीटीसी ने। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब बीटीसी ने 19,000 डॉलर और उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल बनता था 18,500 डॉलर, उन दोनों सपोर्ट लेवल्स को बीटीसी ने यहाँ पे तोड़ दिया है। और अगेन करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा था 18,200 डॉलर के पर अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर अगर ये 18,500 डॉलर से नीचे बंद हो जाती है तो हम लोग देखेंगे कि बीटीसी डेफिनेटली तौर पे 18,000 डॉलर के लेवल तक वापस आएगा। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और जब मैंने 3 से 4 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर बीटीसी 20,000 डॉलर के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो हम लोग एकदम ही क्रैश लेता हुआ नहीं देखेंगे बीटीसी को। हम लोग देखेंगे बीटीसी लोअर लोज और लोअर हाईज बनाना शुरू करेगा, और लोअर लोज और लोअर हाईज बनाता हुआ बीटीसी यहाँ पे नीचे जाएगा। तो वो अब लोअर लोज और लोअर हाईज हम लोग बनाता हुआ देखेंगे यहाँ पे डेफिनेटली तौर पे बीटीसी को। और अब ये लोअर लोज और लोअर हाईज बनना कंटिन्यू होंगे बीटीसी के, और इसी तरह बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता रहेगा। और अगर अब बीटीसी नीचे जाता है तो ये दूसरे सपोर्ट लेवल्स मैंने लगाए हैं कि अब बीटीसी के जो सपोर्ट लेवल्स बनेंगे वो उससे पहले 17,500 डॉलर, फिर उसके बाद 17,100 डॉलर, उसके बाद तकरीबन 16,500 डॉलर, उसके बाद तकरीबन 15,800 डॉलर से लेकर तकरीबन 16,000 डॉलर तक का लेवल, और उसके बाद तकरीबन 15,300 डॉलर तक का जो सा लेवल है, ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे बीटीसी के लिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हम लोग बीटीसी को एक और भी बड़ा क्रैश लेता हुआ देख सकते हैं, और बीटीसी को हम लोग और भी नीचे आता हुआ देख सकते हैं। तो एक तो मैंने ये जो सी अगेन वीडियो बनाई थी 27 मई को, के जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डेथ क्रॉस के बारे में बताया था 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके अलावा एक ब्रिटिश फ्लैग फॉर्मेशन जो बना रहा था बीटीसी उसके अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब देखा था कि लास्ट टाइम जब ये डेथ क्रॉस हुआ था 3 डे टाइम फ्रेम के बाद, तो तब हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 85% नीचे आया था। और उसके बाद ये करंट प्राइस के ऊपर भी मैंने आप लोगों को प्राइस रेंज लगा के दिखाया था कि अगर इस बार बीटीसी 85% डाउन आता है अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब कि 69,000 डॉलर से इस बार अगर बीटीसी नीचे आता है तो तकरीबन 11,500 डॉलर या 11,000 डॉलर के लेवल तक हम लोग बीटीसी को देख सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि 85% बीटीसी की वैल्यू नीचे आती है, अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिस्ट जो रिचर्ड हार्ट है उनकी वीडियो के जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो भी आप लोग यहाँ पे देखें तो वो ये कह रहे हैं कि बीटीसी तकरीबन 85% ड्रॉप होगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि बीटीसी 85% ड्रॉप हो रहा है, ओवर द टाइम बीटीसी 85% ड्रॉप होता रहता है। और जहां पे बीटीसी 85% ड्रॉप होता है वहां पे इथेरियम 95% ड्रॉप होता है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे चार्ट भी शेयर करता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी तकरीबन 2013 के अंदर 82.6% ड्रॉप हुआ था अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस से, 2016 के अंदर बीटीसी तकरीबन 86.9% ड्रॉप हुआ था अपने ऑल टाइम हाई से, और उसके बाद तकरीबन 2017 से 2018 के अंदर बीटीसी तकरीबन 83.6%, और स्पेसिफिकली बीटीसी तकरीबन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूं तो 85% ड्रॉप हुआ था अपने ऑल टाइम हाई से।
वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 के अंदर, और ये भी जो प्राइस रेंज है मैंने उसी वीडियो के अंदर जो मैंने 27 मई को बनाई थी उसके अंदर आप लोगों को लगा के दिखाई थी। और उसके अलावा प्रीवियसली भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 40-40% जो सा है BTC अपने ऑल टाइम हाई से क्रैश करता रहा है यहाँ पे तकरीबन 2016 के अंदर, और उसके बाद तकरीबन 2015 के अंदर। और याद रहे कि ये जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारे पास BTC की हिस्ट्री है, ये BTC का चार्ट शुरू हुआ तकरीबन 2015 के अंदर, और ये बात हम लोग भी जानते हैं कि BTC 2015 से काफी पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये बिटकॉइन की हिस्ट्री रही है कि BTC अपने ऑल टाइम हाई से 85%, नॉर्मली 85% लाजमी तौर पे क्रैश करता है। तो 85% तक का क्रैश हम लोग शायद इस बार दोबारा से देखें यहाँ पे BTC के ऊपर। और अगेन अगर इस बार BTC दोबारा से 85% क्रैश करता है तो अपने ऑल टाइम हाई से हम लोग इसको तकरीबन $11,600 या $11,500 के लेवल तक आता हुआ देख सकते हैं। मतलब कि आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है कि हम लोग शायद दोबारा से BTC को $11,000 का जो सा लेवल है वहां तक देखें। तो क्योंकि अगेन ये बिटकॉइन की हिस्ट्री है, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो पर्सनली मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ कि अगर इतना बड़ा क्रैश होगा तो हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स होते हैं, शॉर्ट टेम्परमेंट वाले जो से लोग होते हैं, वो अपने आप को क्रिप्टो करेंसी से आउट कर लेंगे। तो वही लोग बचेंगे जो कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स होंगे, और लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो से हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि जब भी BTC अपने ऑल टाइम हाई से 85% नीचे आता है तो वो उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई लाजमी तौर पर बनाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि $7, फिर $16, फिर $49, 77, उसके बाद अगर आप चलते जाएं तो यहाँ पे BTC तकरीबन 64,700 तक गया था 2021 के अंदर। और हम लोगों ने देखा था कि 2021 नवंबर के अंदर ही BTC ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है 69,000 के ऊपर। तो डजेंट मैटर कि अगर BTC 85% नीचे आता है तो उसके बाद BTC अपना ऑल टाइम हाई भी बनाता है, और अगर इस बार जब BTC अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा तो वो डेफिनेटली तौर पे 69,000 से काफी ज्यादा अबव बनाएगा। तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स तो यहाँ पे मार्केट से आउट हो जाएंगे, अगेन वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर लॉन्ग टर्म होल्डर्स काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो अपने जनरेट करेंगे यहाँ पे BTC और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि BTC यूजुअली 85% ड्रॉप करता है, तो उसके साथ साथ इथेरियम 95% ड्रॉप करता है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पे प्राइस रेंज मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 2017 से 2018 जनवरी तक के दरमियान में हम लोगों ने देखा कि इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 95% नीचे आया था। और अगेन ये भी जब से इथेरियम लॉन्च हुआ है तब से चार्ट नहीं है ये हमारे पास, बल्कि ये हमारे पास तकरीबन 2017 से चार्ट मौजूद है। इससे पहले भी लाजमी तौर पर इथेरियम के अंदर क्रैश आया होगा। और अगर अभी आप लोग देखें तो करंटली इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से 80% नीचे चल रहा है, और अगर ये 95% क्रैश करता है यूजुअली ये जैसा करता है, तो हम लोग इथेरियम को तकरीबन $237 के लेवल तक भी देख सकते हैं। तो अगेन आप लोगों ने अपने माइंड्स के अंदर रखनी है ये बात कि हम लोग इथेरियम को और भी क्रैश करता हुआ देख सकते हैं, और हम लोग बिटकॉइन को भी एक काफी बड़ा क्रैश अभी भी लेता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये बिटकॉइन की और इथेरियम की हिस्ट्री है कि वो दोनों कॉइन्स इतना बड़ा क्रैश लेते हैं। तो ये एक मेजर अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है इस बियर मार्केट के दरमियान में। तो आज के लिए यही वीडियो, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।